नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रमेंद्र सरकार है और मैं होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी से हूं। आज मैं आपको मैथ्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल बंद है, आप भी घर पे बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हम घर बैठे ही करा सकें। तो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आज का बच्चों हमारा थ्योरम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके एग्जाम पेपर में लिखा रहता है स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी थ्योरम बनाने से पहले उसका स्टेटमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि स्टेटमेंट में भी आधा या एक नंबर अलॉटेड होता है। थ्योरम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, आप यहाँ ब्लैकबोर्ड में देख सकते हैं। पहला प्रकार है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल और तीसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेज़रमेंट होता है ये लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होना चाहिए। तो ट्रायंगल मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद इसके सब टाइप्स भी होते हैं। अब ये सब टाइप क्या होते हैं देखेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो गए हैं तो अब ये बन गए हैं आइसोसेलिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलिस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में भी अगर कोई दो साइड इक्वल लेंथ के होते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखेंगे एक दूसरा सब टाइप उप प्रकार इसके। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो इसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राई एंगल। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राई एंगल। ट्रायंगल चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उसके तीनों एंगल के सम 180 डिग्री ही होता है। जिस प्रकार से आप पहला ट्रायंगल देख रहे हैं तो पहला ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलाकर होंगे 180 डिग्री। उसी प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ होंगे 180 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर होंगे 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं 180 डिग्री। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उसके तीनों इंटीरियर एंगल अंदर के तीनों एंगल के सम 180 डिग्री ही होता है। तो इस थ्योरम को आज हम प्रूफ करेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं
कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले जब हम कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके बाद आप लिखेंगे गिवन, क्या दिया है। इस थ्योरम को पढ़कर आपने क्या समझा है कि आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, तो हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें आज प्रूफ करना है। इसके लिए हमें करने पड़ेंगे कुछ कंस्ट्रक्शंस। तो आप देख सकते हैं क्या कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ बी सी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू ए। तो बी सी जो ट्रायंगल का बेस है, बी सी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बी सी पैरेलल टू पी क्यू हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, जो कि ए से पास होता है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। एंगल टू और एंगल फोर इक्वल क्यों है? एंगल टू और एंगल फोर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी और पी क्यू ये पैरेलल लाइंस है और ए बी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो आप देख सकते हैं कि फोर और टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। इक्वेशन वन दे दीजिए इसको। बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री। तो ये हो गया एंगल फाइव और ये हो गया एंगल थ्री। कारण रीजन वही है कि बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू और यहाँ पर ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर बी सी और पी क्यू पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल थ्री और एंगल फाइव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो लिख लीजिए यहाँ पर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई इक्वेशंस लिखते हैं साथ में आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि उसकी कारण क्या है। इसका कारण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल वन, क्या हम एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन लिख सकते हैं? एंगल वन इक्वल टू एंगल वन, आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप के इक्वल जरूर होता है। तो एंगल वन और एंगल वन एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आपके सामने तीन इक्वेशंस है, तीन समीकरण है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। जब हम इन तीन समीकरण को जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जोड़ दीजिए टू प्लस थ्री प्लस वन, राइट हैंड साइड में जब जोड़ेंगे तो फोर
प्लस फाइव प्लस वन। सो हमने क्या देखा, टू प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव प्लस वन। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो 4 प्लस 5 प्लस 1 जो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस 1 इन तीनों एंगल को मिलाकर ये कौन सा एंगल हो गया, ये बन गया एक स्ट्रेट एंगल। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे देखेंगे आप एंगल 4 प्लस 5 प्लस 1, मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 1। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में 4 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंगल 2 को हम एंगल B कह सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल 2 के प्लेस पे हमने लिख दिया एंगल B। एंगल 3 को हम एंगल C कह सकते हैं, सो 3 के बदले में हम लिख दिया C। और एंगल 1 के बदले में बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल A। तो एंगल A के प्लेस पे हमने लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो एंगल A को हम पहले लिख लेते हैं एंगल A, एंगल B को लिख लेते हैं इसके बाद, और फिर हम लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है, जो कि हमारा आज का एम था। हमें प्रूफ करना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये अक्सर क्लास नाइन्थ में एग्ज़ाम से पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसी के साथ आज हमारा ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।